भारतीय कुश्ती महासंघ के अध्यक्ष और बीजेपी सांसद बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ पहलवानों का चल रहा विरोध प्रदर्शन दिन ब दिन गर्माता दिख रहा है। सात महिला पहलवानों ने बृजभूषण पर यौन उत्पीड़न का आरोप लगाया है, जिसमें एक नाबालिग भी शामिल है। अब यौन शोषण के आरोप पर क्या बोले सिंह, देखते हैं इस रिपोर्ट में। भारतीय कुश्ती महासंघ के अध्यक्ष और बीजेपी सांसद बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ पहलवानों का चल रहा विरोध प्रदर्शन दिन पर दिन गर्माता दिख रहा है। सात महिला पहलवानों ने बृजभूषण पर यौन उत्पीड़न का आरोप लगाया है, जिसमें एक नाबालिग भी शामिल है। पहलवानों के लगाए जा रहे आरोपों पर बृजभूषण ने कहा, पहले ये कह रहे थे कि मैंने 100 बच्चों का यौन शोषण किया, फिर कहने लगे 1000 बच्चों का हुआ, मैं क्या शिलाजीत की रोटी खाता हूँ। उन्होंने आगे कहा, ये लोग जंतर मंतर पर चले जाए तो मैं इस्तीफा दे दूंगा। बृजभूषण ने एक टीवी चैनल से बात करते हुए अपनी सफाई में बोलते हुए कहा, जंतर मंतर पर धरना दे रहे पहलवान राजनीति से प्रेरित है। वही जंतर मंतर पर बैठे पहलवान बृजभूषण की गिरफ्तारी की मांग कर रहे हैं। उनका कहना है कि बृजभूषण के खिलाफ मुकदमा दर्ज हो चुका है और अब उनकी गिरफ्तारी हो। एक और जहां कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने जंतर मंतर पहुंचकर अपना समर्थन दिखाया, वहीं आम आदमी पार्टी अध्यक्ष अरविंद केजरीवाल ने पहलवानों से मुलाकात की। ब्यूरो रिपोर्ट, GSTV।